कोरिया जिले में चिरमिरी क्षेत्र के हल्दीबाड़ी में अचानक मकानों के धसने और उनमें दरारें आने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दो मकान पूरी तरह धस गए हैं, वहीं दो दर्जन से ज्यादा मकानों और स्टेट बैंक शराब दुकान में दरारें भी आई है। अचानक आई इस विपदा से क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं प्रशासनिक अमले ने भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। 9 बजे रात को हम लोग सोए थे खाना उना खा के, अचानक छत के ऊपर घनघनाहट की आवाज़ आई तो हम लोग सोचे कहाँ हो गया। बाहर निकल के देख रहे हैं तो पूरा घर जगह जगह से धसक रहा था। उसके बाद पूरी दीवार, मेरा 4 ठो रूम है, आंगन है, पूरा मेरा जगह से फाट फाट के बैठ गया। चोट तो मेरे को नहीं लगी है। चोट नहीं, कितने परिवार मतलब कितने घरों का यहाँ पे धसा है? यहाँ कम से कम भैया 20-22 आदमी यहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं। हम लोगों को कहीं नहीं, अभी तो हम लोग सामान रोड में रखे हैं। अब रोड से जहाँ नगर निगम ले जाए या जहाँ हम लोग अपना व्यवस्था करें भैया, अभी तो हम लोगों का कोई व्यवस्था नहीं, हमारी दुकान भी। जानकारी मिलते ही चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल भी मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि घरों में दरारें आना रात से शुरू हुई थी जो सुबह तक जारी रहा। लोगों की मदद के लिए प्रशासनिक अमले को बुला लिया गया है। फिलहाल सभी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। उन्होंने अब तक किसी प्रकार की जनहानि नहीं होने की जानकारी दी है। मैं यहाँ रात को भी आई थी और रात को जो मैंने देखा था सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे जो दरार है, क्योंकि रात को इतना ज़्यादा नहीं था और ये रात भर में और बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं नीचे में जो बस्ती बनी हुई है वहाँ पे लोगों को खाली करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितने भी SACL के कर्मचारी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं और जो हमारे निगम के हैं, जितने भी आपातकाल की स्थिति है वो हम लोग करवा रहे हैं ताकि जो लोग हैं यहाँ से पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाए, फिर कैसे व्यवस्था की जाएगी वो उसका जायजा ले। अभी तो हम जो भी सुरक्षित जगह है, सामुदायिक भवन, शिशु मंदिर या आसपास जहां पे भी रुकवा सकते हैं वो रुकवा रहे हैं, लेकिन इनके परमानेंट रहने की व्यवस्था फिर की जाएगी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। CSP PP सिंह ने बताया कि रात 9 बजे जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली वे तत्काल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र के लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। फिलहाल उन्हें नजदीक के शिशु मंदिर स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। ये जानकारी हमें कल रात में ही 9:30 के आसपास यहाँ के जो जनता लोगों से मिली थी, किस तरह से 1 इंच का दरार हो गया है, उस आधार पर हम लोग स्पॉट में आए थे और उसको देखते हुए हमने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था दोनों साइड में बैरिकेड लगाकर और पुलिस तैनात कर दिए थे ताकि पब्लिक ना आए यहाँ पर, कोई घटना ना हो। उसके बाद फिर आज सुबह में इसकी जो दरारें थी, जो धसकने का वो है, और बढ़ गए हैं और साथ साथ में कुछ घर, 2-3 घर तो डैमेज हो चुके हैं और कुछ फट गए हैं। उसको देखते हुए तत्काल हम लोग आज सुबह से ही अपने रेस्क्यू किए हैं। हमारे पुलिस टीम सभी तरफ लगा हुआ है और मैं अभी GM साहब से, नगर निगम से और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को सभी अवगत करा दिया हूं और अभी रेस्क्यू टीम वहां से GM साहब भेज रहे हैं। साथ ही PHE विभाग को भी मैं मिस्टर पवार से संपर्क किया हूं, जो एक कोई पाइपलाइन है, पाइप लीकेज हो रहा है जिसके कारण भी इस तरह से स्थिति बन सकती है। तो हमारे तरफ से जो व्यक्ति ये प्रभावित एरिया है जहाँ पर डैमेज हो रहा है वहाँ के लोगों को खाली कराया जा रहा है। करीब 15-20 घर अभी चिन्हांकित किए गए हैं और उनको सरस्वती शिशु मंदिर जो बगल में स्कूल है वहाँ पर शिफ्टिंग किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही चिरमिरी मुख्य महाप्रबंधक घनश्याम सिंह मौके पर पहुंच गए और जानकारी दी कि क्षेत्र के लोगों को कई बार नोटिस दे दिया गया है। पुराना 40 वर्ष से हो गया डिप्लरिंग किया हुआ, जो बीच में पिलर छूट जाते हैं उनमें भी धीरे धीरे आग पकड़ के राख बन गया होगा तो वो पिलर भी बैठ गए, वो पिलर बैठने के चलते सरफेस तक क्रेक डेवलप हो गया। तो क्या आगे की और बड़ी घटना हो सकती है अगर नहीं खाली कराया गया इस क्षेत्र को? नहीं, निश्चित संभावना, चूंकि एक बार जब क्रेक डेवलप हो गया तो यहाँ से हटाना लोगों को जरूरी है, नहीं तो जनहानि हो सकती है या क्रेक ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं। चूँकि अंदर की स्थिति के बारे में किसी को वास्तविकता का पता किसी को नहीं है, इसलिए निश्चित हम लोग सतर्क होकर काम करें और यहाँ से लोगों को शिफ्ट करें और इस जगह को हम लोग ओवरबर्डन मटेरियल से, एक मिट्टी से फिलिंग करा दें। SACL पहले भी नोटिस दे चुका है इस क्षेत्र के लोगों को लेकिन फिर भी नहीं खाली कराया गया। जी हाँ, नोटिस कई बार दिया गया है लेकिन मानवता को ध्यान में रखते या कुछ राजनीतिक कारणों से भी हो सकता है या उन लोगों की मजबूरी होगी, गरीब लोग हैं, हो सकता है वो कुछ प्रॉब्लम रहो जिसके चलते लोग शिफ्ट नहीं किए हैं, जबकि उनको शिफ्ट कर लेना चाहिए था। रेस्क्यू अधिकारी रामेश्वर त्रिपाठी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया
कि जिस क्षेत्र में घटना हुई है वो पुरानी खदान है, वहां 40 साल से खदान संचालित है। प्राकृतिक बदलाव के कारण ये घटना हुई है, घटना में जनहानि नहीं हुई है, घरों को जरूर नुकसान पहुंचा है, प्रभावित परिवारों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से जो गैर रिसाव हो रही है वह कोयले के जलने का है, उससे लोगों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अनिल में भी खाली है और मोहन कालो ने भी खाली है, उन्होंने ही बताया, मुझे जानकारी में नहीं थी। मैंने कहा कि प्राथमिकता आधार पर इनको अभी तो हम लोग इनको अभी वैकल्पिक तौर पर सरस्वती शिशु मंदिर में शिफ्ट किए हैं कि ऐसी कोई घटना ना हो जाए, किसी भी समय किसी भी स्थिति में ऐसा ना हो कि वो जमीन बैठ जाए अचानक से और हम उसको व्यवस्थित ना कर पाए। तो यहाँ से हमने उनको सबको निकाल दिया और सरस्वती शिशु मंदिर में शिफ्ट किया हुआ। कितने मकान हैं वहाँ पे? एक अंदाजा जैसे शुरू में मेरे को बताया गया कि 25 लोग प्रभावित हैं, बाकी हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे होने के बाद पूरी क्लियर होगी कि टोटल कितने मकान हैं। बाकी जो भी प्रभावित होंगे संख्या कम हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में भी जो बचे हुए अभी चपेट में आ सकते हैं, इसको देखते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं, हमने सबका सर्वे कराया। बगल में स्टेट बैंक भी है, दारू भट्टिया भी, उसकी मांग की गई है। नहीं नहीं, स्टेट बैंक के बारे में तो मैं बताना चाहूँगा कि पर्सनली मैं खुद गया था, बैंक मैनेजर से बात किया कि आप अपने जो भी कैश वाइस हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उसको शिफ्ट कीजिए, क्योंकि कैश का मामला है तो कैश के बारे में हम समझौता नहीं कर सकते। अचानक ऐसा कुछ होता है, भगदड़ मस्ती है, लूटपाट हो जाती है, बाय द वे, तो हमको उसको संभाल पाना और देख पाना मुश्किल होगा। और मैं खुद गया था बैंक में, उसका जो सीढ़ी है, जो चकोर टाइल्स लगी हुई है, वहाँ भी हल्का सा क्रेक मेरे को दिखा, तो मैंने उनको कहा कि आप ऊपर से बात कीजिए रीजनल मैनेजर से और उसको शिफ्ट कराइए। बगल में दारू भट्टी भी है, उसको दारू भट्टी के बारे में मैंने बात कर ली है, जो सब इंस्पेक्टर हैं आपके आबकारी विभाग के, मिस्टर नेताम जी से मेरी बात हो गई है। मैंने कहा कि आप आओ देखो, यहाँ की स्थिति ऐसी है, चूँकि मैं डायरेक्ट आदेश तो कर नहीं सकता क्योंकि शासन का मामला होता है आबकारी वाला, मैंने उनको कहा कि आप देख लो आके, फिर अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात कीजिए, उसको स्थिति बताइए और कहाँ शिफ्ट करना है आप शिफ्ट कीजिए। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि बड़े पैमाने पर घरों को क्षति हुई है, पीड़ितों को राहत की जरूरत है, स्थानीय प्रशासन उनकी मदद में लगा हुआ है। उन्होंने बैंक और शराब भट्टी को भी वहां से स्थानांतरित करने की मांग की है। ये बहुत पुरानी माइन है कुरासिया की जो चली हुई है, और ये क्षेत्र मोर और लेस भास्का क्षेत्र है, खतरा क्षेत्र है। यहां जो लोग भी बसे हैं उनको पहले से नोटिस दिया गया है कि यहां से खुद को हटा लें, अन्य जगह पर चले जाएं, और बाकी जो अभी हुआ है उसको इमीडिएट हम लोग उसका रेस्क्यू रिकवरी का ये कर रहे हैं, लोग को शिफ्ट कर रहे हैं, और ये इसका अभी CMPDI की भी टीम आ रही है, एक्सपर्ट की टीम, और बिलासपुर हेडक्वार्टर से भी टीम आ रही है, जो आकर यहाँ हम लोग विचार विमर्श करेंगे, टेक्निकली जो उचित होगा वो हम लोग कार्य करेंगे। गैस रिसाव भी हो रहा है आपके? उसको देख लेते हैं, जो भी है उसको तो ध्यान देना ही है। अभी वहाँ से टीम निकल गई है, एक दो घंटे में पहुँच रही है, तो टोटल नक्शा देख के पुराना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और उसको हम लोग एड्रेस करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स है। जनजीवन को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो उसका ख्याल रखें। तत्काल राहत के लिए SECL अपनी तरफ से क्या प्रबंध करेंगे? SECL यहाँ जो रहने वाले हैं इन लोगों को शिफ्ट कर रही है सरस्वती शिशु मंदिर में, और अभी वहाँ पर हम लोग उनके रहने का खाने का इंतजाम कर रहे हैं जब तक अस्थाई व्यवस्था नहीं है। ठीक, थैंक यू। वहीं मौके पर मौजूद SDM PB खेस ने बताया कि लोगों के बीच सर्वे किया जा रहा है, फिलहाल अभी शिशु मंदिर में शिफ्ट कराया जा रहा है, बाद में इन्हें SECL के खाली मकानों में शिफ्ट किया जाएगा। आज की घटना के बारे में, कल चिरमिरी में मेरा दौरा था तो प्रारंभिक रूप से कल भी मेरे द्वारा हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम लोगों ने देखा था, बहुत मामूली क्रेक दिख रहा था, पर इतनी बड़ी घटना की आशंका नहीं थी, और बड़े पैमाने पर लगभग 40 से 50 घर इसमें प्रभावित हो रहे हैं, और प्रशासन SECL राजस्व पुलिस सब लोगों निगम सभी ने मिलकर अपनी त्वरित रूप से यहाँ कार्रवाई जारी है, चूँकि ये पूरे चिरमिरी क्षेत्र के लिए एक बड़ा ही दुख और संकट की घड़ी है। इसमें हम सब लोग अपने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी लोग लगे हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शासन प्रशासन के साथ
मिलकर सब लोग सुबह से ही डटे हुए हैं और कोशिश ये हो रहा है कि जो प्रभावित मकान हैं उनके लोगों का उनका जान व माल की रक्षा कर शिफ्टिंग की कार्रवाई जल्द से की जाए। अभी अनुविभागीय अधिकारी SDM साहब के माध्यम से और SECL के जो अधिकारियों से भी जानकारी मिली है कि उनके द्वारा इनको वैकल्पिक रूप से अभी शिफ्टिंग का काम शिशु मंदिर में किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए अभी चर्चा हुई है कि उनको ऐसी खाली कॉलोनियों पर तत्काल जो है स्थायी रूप से उनको व्यवस्था करें और इस ओर SECL प्रबंधन और राजस्व अमला उनकी पॉजिटिव जो है विचार आया है। यहाँ बचे हुए कुछ ऊपर में जैसे बैंक हैं जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, बैंक को भी शिफ्टिंग करने की बातचीत चल रही है और पीछे में शराब की भट्टी है उसको भी तत्काल हटाए जाने की आवश्यकता है। ये दोनों चूँकि जनता से जुड़े मामले हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ भीड़ आते हैं, इसलिए बैंक और शराब की भट्टी को निगम और जो प्रशासन है उनसे मेरा आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि जितना जल्द हो सके शिफ्ट करें।